नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का आख्यात मकदम कर रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, यानी कि आज कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है और तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी एनजीओ से जुड़े मामले को लेकर के अहमदाबाद अपराध शाखा ने 25 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है, पुलिस ने उसे 7 दिन पूछताछ भी की है और हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की बात कही। इस दौरान उसे अंतरिम जमानत देना उचित है और वह पासपोर्ट अपनी निचली अदालत में जमा करा दे और जांच में सहयोग दे, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस याचिका की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए थी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को 2 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के तरीके के बारे में चिंता जताते हुए ये सवाल किया था कि गुजरात उच्च न्यायालय ने जवाब मांगने के लिए 6 सप्ताह के बाद का नोटिस कैसे जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके लिए जमानत नहीं दी जा सकती। वह भी एक महिला को न्यायाधीशों ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ 2 महीने से अधिक समय से जेल में है और अभी तक कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान गुजरात के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मानना गलत है कि सिर्फ तीस्ता के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत पर नोटिस के बाद सुनवाई के लिए 6 हफ्ते का समय दिया। ये गुजरात हाईकोर्ट में एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। 3 अगस्त को, यानी जिस दिन तीस्ता की याचिका पे नोटिस जारी हुआ, उसी दिन कई लोगों ने सुनवाई के लिए इससे भी आगे का समय दिया गया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाईकोर्ट से 19 सितंबर से पहले सुनवाई के लिए कह दे, लेकिन खुद जमानत ना दे, ये गलत मिसाल होगी। और अब सुनिए कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ के वकील जो हैं कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीस्ता को अपना दुश्मन मानती है, उन्होंने किसी भी तरह उन्हें जेल में बनाए रखना चाहती है और याचिकाकर्ता से 7 दिन तक पुलिस ने हिरासत में पूछताछ की है और अब भी न्यायिक हिरासत में है। याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर FIR हुई है। FIR में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं थे, ठीक से कोई आरोप दर्ज नहीं थे। वह 2 महीने से अधिक समय से जेल में है, लिहाजा जमानत मिलनी चाहिए। इस पे कोर्ट ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी समझ से मामले में ये बिंदु अहम है, याचिकाकर्ता महिला है, 2 महीने से अधिक समय से जेल में है, जो आरोप लगे हैं वो 2002 से 2012 के बीच के हैं और पुलिस ने 7 दिन तक हिरासत में पूछताछ की है। तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहते यहाँ से बेल नहीं मिलनी चाहिए, सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में ही जाना चाहिए। और मेहता ने यह भी कहा कि जांच के दौरान कई सबूत मिले हैं जो FIR में दर्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में को दर्ज करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में 20 जून को हिरासत में ली गई थी और तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने मुंबई से हिरासत में लिया था। उनको हिरासत में लेने के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की 2002 गुजरात दंगों से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री CM नरेंद्र मोदी थे, उनको दंगों के मामले में SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा था। जाकिया जाफरी ने SIT के क्लीन चिट फैसले को चुनौती दी थी। तीस्ता सीतलवाड़ की NGO ने कानूनी लड़ाई के दौरान जाकिया जाफरी का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में
सह याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया है और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के अगले दिन तीस्ता सीतलवाड़ पूर्व पुलिस अधिकारी आरबीसी कुमार और पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और गुजरात पुलिस ने फिर से तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार को हिरासत में लिया था, जबकि संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है। तो दोस्तों, ये थी तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी खबर। उन्हें आज जमानत मिल गई है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से वो जेल में थी, इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनजर रखा और उन्होंने कहा कि इसमें और पहले सुनवाई होनी चाहिए थी। आपको ये कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर देखने सुनने में आते रहते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी करता है। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। मुझे लगता है कि आप मेरे कंटेंट को प्यार करते हैं, मेरे कंटेंट को आप सम्मान देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।